दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। आज महानुभाव दिनदर्शिका के अनुरूप जो हम लीला चिंतन कर रहे हैं, आज है 4 जनवरी, मतलब मंगलवार 4 जनवरी, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष पंचमी और षष्ठी। आज भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी है और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी गदाना महानुभाव पंथ का एक अतिशय महत्वपूर्ण स्थल है। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, आपने ईश्वर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर देखा होगा, कुछ दिन पहले मतलब पिछले वर्ष में वहाँ का एक वीडियो आपको हमने सबके लिए प्रस्तुत किया था। पहाड़ी पर मंदिर स्थित है और वहाँ पे आश्रम है, पुजारी बंधु है, वो मंदिर का देखभाल रखते हैं। वहाँ पे 2-3 आश्रम है लगभग और बहुत ही अच्छे तरीके से मंदिर सुसज्ज है। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का और आजू बाजू के जो डिस्ट्रिक्ट्स है, गांव है, सभी गांवों का एक श्रद्धा स्थान है और मनोरथ को पूर्ण करने वाला यह स्थान है। भगवान श्री चक्रधर स्वामी पूर्वार्ध में 178 नंबर की एक लीला की आदि है। वास्तविक स्वरूप में देखा जाए तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी इस गांव में पहले गदाना गांव में आए थे, लेकिन वो जो जगह है वो रचमच यानी भीड़ भाड़ वाली जगह थी। वो जो गांव था उस गांव में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ थी, मतलब आवाज होगा, कुछ मार्केट होगा, है ना, उस समय की बात है। तो भगवान जी ने फिर उसका त्याग कर दिया और भगवान जी पहाड़ पर जाकर रात को रुक गए थे, तो उसका नाम आता है गदाना वन देवी वस्ती। वस्ती यानी रुकना, एक रात को आराम करना भगवान जी ने वहां पे किया हुआ है, ठीक है ना। गदाना वन देव, वन देव यानी वन का देव, वन यानी जंगल और जंगल यानी जहां निर्मनुष्य हो, यानी जहां पे लोग बाग नहीं हो, ज्यादा भीड़ नहीं हो, ऐसे जगह का जो देव होता है उसको बोला जाता है वन देव, कि भाई वो जंगल में रहने वाला देव है, है ना। वास्तविक स्वरूप में भगवान जी उसी भाव से वहां पे गए थे। तो उस वहां पर भगवान जी जाते हैं, भक्तजन साथ में थे। गांव के पश्चिम बाजू में पहाड़ पर ये मंदिर है, पूरब की ओर इस मंदिर का मुख है, मंदिर का जो मुख है, दरवाजा जो है पूरब की ओर है, और ये जो मंदिर है वहां पे स्वामी जी का रात को रुके हैं, वस्ती हुई है। जहां जहां पर भगवान जी की वस्ती होती है वहां वहां पे हम नमस्कार करने जाते हैं। जहां जहां पर भगवान जी के चरण का स्पर्श होता है, भगवान जी के संबंध होते हैं, वहां पर हम नमस्कार करने के लिए जाते हैं। अलग अलग स्थान होते हैं, परिश्रय स्थान होता है, लघु परिश्रय स्थान होता है, दीर्घ परिश्रय स्थान होता है, भोजनता होती है, निद्रा स्थान होती है। ये जो स्थानों के जो प्रकार है भगवान श्री चक्रधर स्वामी संबंधित, उनमें से ही एक वस्ती स्थान का ये प्रकार का ये स्थान है जहां पर भगवान जी केवल रात को जाके रुके थे। अब ये जो लीला है इसमें भगवान जी ने वहां पे जाके रुकने के बाद क्या क्या हुआ, इसका उल्लेख कोई ग्रंथ में किताब में नहीं आया हुआ, ठीक है ना। लेकिन हमारे लिए संबंध वंद्य कि भगवान जी ने जहां जहां पे संबंध दिया है वहां वहां पे हम क्या करते हैं, वंदन करते हैं, वहां जाके हम दर्शन लेते हैं। हमारी अगर सकाम भक्ति है तो हेतुपूर्ण वहां पे भक्ति करते हैं, कोई कोई निरहेतुक भक्ति करता है, वैसे निरहेतुक भक्ति करना कभी भी अच्छा ही है और हमेशा ही निरहेतुक ही भक्ति करना चाहिए। लेकिन ये जो स्थान है, जैसे आप जालिका देव जाते हो, जालिका देव स्थान जो जैसा मनोरथ पूर्ण करने वाला स्थान है, वैसे ही ये भी स्थान जो है मनोरथ को पूर्ण करने वाला स्थान है। यहाँ पर आजू बाजू वाले लोग जाकर अपनी मनोरथ मनोकामनाएं भगवान जी को प्रार्थना करते हैं, हमारी पूरी करो, और भगवान जी वहाँ पर भक्तों की मनोकामना पूर्ण जरूर करते हैं। तो इस प्रकार का ये स्थान है। आज अगर पॉसिबल हो जाए तो आप उस स्थान को वंदन कीजिए,
या इस प्रकार के भगवान जी की लीला का चिंतन करके आपने आज का दिन व्यतीत करना है। ठीक है, मिलेंगे कल दूसरे लीला के साथ में। तब तक के लिए सभी को दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर।